ओके तो अगर आपके लाइफ में कुछ भी एज प्लान नहीं जा रहा है, मतलब यार आपने ना लाइफ में जो भी हमने प्लान्स बनाया होता है ना, अगर आपकी लाइफ में उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं जा रहा है और आपको ये लग रहा है कि यार आपकी लाइफ ना बस ख़त्म ही होने वाली है, कि यार अब आपके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यार इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि यार व्हाट यू कैन डू इन दिस सिचुएशन, कि जब हमारी लाइफ में ना ऐसे हम एक फेज पे पहुँचते हैं जहाँ पे कुछ भी एज प्लान नहीं जा रहा होता है। अब देखिए यार हमारी लाइफ में ना बहुत से मोमेंट्स ऐसे आएंगे, बहुत से मोमेंट्स ना आपकी लाइफ में यार ऐसे ज़रूर आएंगे जहाँ पे आपने जो भी प्लान्स बनाए होंगे ना कि मैं ऐसा करूँगा मैं वैसा करूँगा, उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं जाएगा। तो यार ऐसी सिचुएशंस में ना डिप्रेस्ड होना, सैड होना बहुत आम सी बात है। तो इन दिस वीडियो मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो इन दिस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि व्हाट यू कैन डू इन दिस सिचुएशन, जब मतलब हमारी लाइफ में कुछ भी एज प्लान ना जा रहा हो। सो विद दिस बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो रहा होगा ना, तो सब लोग बस आपको यही बोलेंगे कि भाई इस प्लान को छोड़ो और कुछ नया प्लान अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, मतलब कि यार कुछ नया प्लान्स बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ जियो। अब यार ये हमें भी पता है कि हमें एक नया प्लान बनाना ही पड़ेगा, फिर यार उसके लिए ना पहले अपने माइंडसेट को भी तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, कि जो हमने पहले प्लान बनाया था अब वो काम नहीं आने वाला है, तो उसके लिए भी तो आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं बस आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे मतलब आप इस डैमेज से हील कर सकते हो। तो देखिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मान लो आप किसी की एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हो, आपका कोई एक अपकमिंग एग्ज़ाम है ना, तो आप उसके लिए स्टडी कर रहे हो। आप यार उस एग्ज़ाम के पैटर्न को स्टडी करते हो, आप उसके सिलेबस को देखते हो कि ऐसे जैसा इसमें सिलेबस आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए स्टडी करते हो। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाते हो, उनको पढ़ते हो, उनको बहुत डीपली स्टडी करते हो कि ऐसे जैसा इसमें पैटर्न आया था तो अब मैं इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ूंगा, और आप ना उसके लिए मतलब दिन रात एक कर देते हो और आप दिन रात उसके लिए लगे रहते हो कि यार इस एग्ज़ाम को तो मुझे क्लियर करना ही करना है। पर जब आप उस एग्ज़ाम को देते हो तो यार वो ना बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड लेवल का आता है। जो भी आपके क्वेश्चन पढ़े होते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने पढ़े थे, जो भी आपने सिलेबस देखा था, उसके अकॉर्डिंगली उसमें कुछ भी नहीं आता है। तो यार अब मुझे एक बात बताओ, जो आपने स्टडी की थी वो आपके कंट्रोल में थी, पर जो भी इस एग्ज़ाम का लेवल आएगा ना वो आपके कंट्रोल में थोड़ी ना है। आप उसको कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हो, आप उस एग्जामिनर को थोड़ी ना बोल सकते हो कि यार आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, मैंने तो इसके अकॉर्डिंगली पढ़ा था। नहीं ना। अब यार देखो यही चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब यार देखो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है हम बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें। जैसे यार आप उस एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रहे थे ना, तो आपके कंट्रोल में था कि आप बस उसके लिए स्टडी कर सकते हो, आप उसके लिए दिन रात एक करके पढ़ सकते हो, और वो आपने किया, आपने उसमें 100% एफर्ट दिए। अब यार अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड लेवल का आ जाता है, उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं या फिर वो बिल्कुल ही एक अलग लेवल के आ जाते हैं, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने अपनी तरफ से जो भी आप कर सकते थे आपने वो सब कुछ किया, आपने उसके लिए अच्छे से पढ़ाई की, पर अब अगर एग्जाम ही अलग लेवल का आ गया तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब यार यही चीज़ें ना लाइफ में भी होती हैं, लाइफ में भी ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं जिनमें हम मतलब कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ों को ही कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट आई वांट यू टू डू कि यार बस उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया करो ना जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। उन्हीं चीज़ों के बारे में यार आपको सोचना है, उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको दुखी होना है, उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको डिप्रेस होना है, उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब यार जैसे आपने कुछ एक प्लान्स बनाए थे और उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ नहीं चल रही है, तो आप बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है। अब यार एक नया प्लान बनाना आपके कंट्रोल में है, आप उसको कर सकते हो, तो यार बस उसी पे फोकस करो। अब वो लाइफ में अगर वो होगा या नहीं, जो एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनके बारे में ना यार ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यार आपको ये बात समझ आ रही होगी ना कि बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है जिनको हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यार आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। दैट्स आई वांट टू शेयर इन दिस वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।